नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल शुक्ल। किसान मित्रों, काफी लंबे समय से कोई वीडियो चैनल के ऊपर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सीजन भी नहीं है कि हम यहां पर कोई वीडियो डालें, और ना ही कोई फसल लगी हुई है जिसके बारे में हम आपको बताएं। बहुत लंबे समय से चैनल पर कोई अपडेट नहीं है। किसान मित्रों, ये जो वीडियो है ये आपके फीडबैक के लिए। मैं आपसे कुछ फीडबैक लेना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताना भी चाहता हूँ जो फ्यूचर प्लान्स है, और कुछ सलाह भी है जो मैं देना चाहता हूँ कि किसान मित्रों को क्या करना चाहिए कि इस बार हमें अच्छे लहसुन के भाव मिले। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ किसान मित्रों, कि जो चीजें हम देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कृषि जानकार पर, तो हमने बहुत लंबे समय से मेहनत करके रियावन सिल्वर और अन्य फसलें जो लहसुन की हम लगाते हैं, अन्य वेराइटीज, उनको लगाकर हमने अच्छा उत्पादन लिया है। तो जो पिछले 3-4 सालों से मनीष भैया मेहनत कर रहे थे, उसके बाद हमारा अब चैनल बना कृषि जानकार, उसके बाद से मेहनत करना शुरू करें, उसमें हमने एक चीज़ रखी थी कि बोले कम लगाओ और अच्छा निकालो, मतलब क्वांटिटी पर ध्यान ना देते हुए क्वालिटी पर ध्यान दो। तो इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आपके क्षेत्र में, किसानों की जो मानसिकता थी उसमें कितना बदलाव आया है? अगर आया है तो आप बताइएगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ये फीडबैक जानना चाहता हूँ। किसान मित्रों, कोशिश यही रहती है सभी चैनलों की, या चाहे नीमच मंडी भाव चैनल की बात करें या फिर कृषि जानकार की बात करें, मनीष भैया हम दोनों का चैनल है कृषि जानकार, मेरे अकेले का नहीं है। तो कोशिश यही है कि किसान मित्रों को क्वालिटी पैदा करने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहा जाए कि किसान मित्र क्वालिटी पैदा करें, क्योंकि जब बहुत तेजी का साल होता है तब हल्की हल्की क्वालिटियाँ, एवरेज क्वालिटियाँ भी अच्छे दामों पर बिकती हैं। पर जो मरा से मरा साल रहता है, जब लहसुन का भाव नहीं रहता, जैसे कि हमने पिछले 2 साल देखे, उसमें क्वालिटियों के ही भाव किसानों को मिल रहे थे। और किसान मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। पिछले जब लहसुन का सीजन था तब हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले थे, जो वीडियोस हमने डाले थे उसके कुछ फीडबैक्स तो मुझे मिले हैं, और मैं आपसे और भी कुछ फीडबैक्स इस वीडियो में जानना चाहता हूँ। क्या आपको कृषि जानकार से फ़ायदा मिला है? अगर मिला है तो कितना मिला है? क्या आपको पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो आपके यहाँ पर जो क्वालिटी बनी है, क्या वो उसी समान बनी है या फिर उसमें कुछ फर्क है? अगर फर्क है तो कितना फर्क है? और आपके क्षेत्र में कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल को कितने किसान मित्र देखते हैं? और हमें हमारे चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है कृषि जानकार, यहाँ पर अगर हम वीडियोज में कोई कमियाँ छोड़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, या हमारे चैनल में हमारी जानकारियों में जो कुछ कमियाँ हैं उनके बारे में हमें ज़रूर अवगत कराएं, और जो चीज़ें हम अच्छी बता रहे हैं उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अब भविष्य की बात कर लेते हैं। हमें कुछ फ्यूचर प्लान्स अपने आपके अपने चैनल कृषि जानकार को लेकर बनाए हैं। किसान मित्रों, जब भी आने वाला सीजन लहसुन का रहेगा, तब हमने इस वर्ष हमने पूर्ण रूप से केमिकल के बारे में हमने आपको बताया था, जैविक के बारे में बहुत कम बताया था। इस वर्ष हम आपको जैविक प्लस केमिकल वाला जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस वर्ष हम पूरा जैविक, बहुत सारी ऐसे स्टेप्स आपको बताएंगे जिसके अंदर जैविक चीज़ें हम उपयोग करेंगे। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, या फिर आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने घर में एक छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का एक सेटअप तैयार रखें। जब तक लहसुन की सीजन आए तब तक आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो रेडी रहे, उसका हम उपयोग करने वाले हैं। उसके अंदर जितने भी हम चीज़ें मिलाकर डालेंगे, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, चाहे वो माइकोराजा हो, सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सूडोमोनास हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जिनका प्रयोग हम आपको आने वाले वीडियोज़ में कर बताएंगे, और उनके बहुत शानदार रिजल्ट हमने पिछले वर्ष प्रैक्टिकल करके देखे हैं और हमें बहुत अच्छे मिले हैं। और हम वही चीज़ें बताते हैं जिनका हमें सच में रिजल्ट मिला है, चाहे वो कोई सी दवाई हो, चाहे वो कोई सा खाद हो। आपने देखा होगा हम बहुत लिमिटेड चीज़ें बताते हैं। मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत आता है, पर्टिकुलर किसी ब्रांड की मैंने चीज़ बता दी तो होता क्या है, किसान उस चीज़ को लेकर कृषि दवाई वाले के पास में जाता है, वहाँ से वो चीज़ मांगता है, तो उससे क्या होता है, माहौल क्रिएट होता है, और वो बोलते हैं, बोले कि यार एक ही चीज़ चल रही है। तो जिस चीज़ में दम होता है मैं वही चीज़ बताता हूँ, ये आप सभी को पता है, और आपने उसके रिजल्ट भी देखे हैं, चाहे वो अल्बर्ट सॉल्यूशन की बात करें, FMC पिक्सल की बात करें, या फिर या हमने जो BASF कैबरिया टॉप नेटिवो जो हमने उपयोग किया था, उन सबके बहुत तगड़े रिजल्ट किसानों से हमें फीडबैक के अंदर जानने को मिले हैं। मैं अभी रिसेंटली सीहोर गया था, मतलब भोपाल गया था, वहाँ पर हमें किसान मिले थे, ठाकुर प्रसाद मेवाड़ा, जो कि आपका आपने उनका वीडियो देखा होगा, नीमच मंडी भाव पर भी देखा होगा, कृषि जानकार पर भी देखा होगा। वो अपनी G2 लहसुन 16-17 हज़ार के भाव में मंदसौर मंडी के अंदर बेच के गए थे,
और बहुत अच्छा दाम उन्होंने कमाया था। सीहोर के काफी सारे किसान हैं, सुजालपुर में बहुत अच्छे दामों पर यान सिल्वर बिक्री है, इंदौर मंडी में बिक्री है, इसके अलावा जो बारा कोटा साइड मंसूर नीमच जावरा सब साइड रियावन सिल्वर जो है बहुत अच्छे दामों पर बिक रही है और किसानों को उम्मीद से अच्छा जो भाव है वो मिल रहा है। और होता क्या है कि भाव तो इस वर्ष पिछले दो वर्ष की तुलना में तो अच्छा है, पर हम इंसान हैं, हमें बहुत ज़्यादा लालच हो गया है, हमें ये भाव भी कम लग रहा है। अगर ये यहाँ से जो अभी एवरेज क्वालिटी है 6-7 हज़ार 8 हज़ार बिक रही है ना, ये कभी 15 हज़ार भी हो जाएगी ना तब भी हमारा पेट नहीं भरेगा। एक होती है कि इंसानों के मन में एक लालसा होती है और बढ़े और बढ़े। एक चीज़ मैं आपको एक सलाह के रूप में बताना चाहता हूँ, उस बात का भी आप ध्यान रखें, पूरा जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। मतलब अभी आप देख रहे होंगे अचानक से तेजी आई है, क्यों आई है उसका पीछे का कारण आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी ओर से इम्पोर्ट करा रहे हैं और भारत को उनको एक्सपोर्ट करना है, मतलब वहाँ से मांग निकली है। जैसे ही मांग निकली बाजारों में लेवाली बढ़ गई, जोश बढ़ गया और बाजार भी अपने आप तेज हो गया। मतलब सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा हो गई तो भाव बढ़ गया। तो मैं हमेशा एक किसान की एक टेंडेंसी होती है, एक मानसिकता होती है, हमेशा वो क्या करता है कि तेजी में माल रोकता है और मंदी में बेचता है। जैसे अगर यहाँ से 1,000 रुपये डाउन हो जाएंगे ना तो किसान मित्र क्या करेगा कि मंडी के गेट लग जाएंगे। तो मैं आपसे एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा माल आप बेचते रहें। और दूसरी चीज़, तेजी आएगी क्योंकि इस वर्ष माल बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अपना जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो कोई भी अगर आपसे सर्वे करे, चाहे मैं भी क्यों ना करूं, चाहे मनीष भाई क्यों ना करे, अगर आपके पास कितना माल बचा है, अगर इसका स्टॉक का सर्वे अगर कोई किसान या फिर कोई फर्म करती है तो उसको हमेशा यही बताना है कि हमारे पास स्टॉक लगभग एंड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। आप अपना स्टॉक किसी भी किसान मित्र किसी भी फर्म को आप ना बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या है कि हमारे पास कितना स्टॉक होगा, मतलब ये समझ लीजिए कि डिमांड सप्लाई वाली पूरी बात आ जाएगी। फिर मार्केट के जो गणितज्ञ है वो अगर सप्लाई ज़्यादा रही हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है तो वो यही सोचेंगे अभी तो स्टॉक बचा हुआ है, भाव थोड़े कम मिलेंगे। तो आप कोशिश करें अपना स्टॉक किसी को भी ना बताएं। और रही बात मैंने आपसे पूछा ही है, अगर हमारे चैनल में हमारी जानकारियों में कोई कमियां रह रही हैं तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, और अगर हमें ऐसी कोई चीज़ें जो आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक के आधार पर ही हम चीज़ें बताते हैं और इसको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं सीहोर गया था, वहाँ पर जो किसान है ठाकुर प्रसाद जी मेवाड़ा और अन्य किसान जो है उनसे मुझे बहुत सम्मान मिला, उन्होंने मुझे पूरा भोपाल घुमाया, बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी करी। और मैं जब भी आपके क्षेत्र में आऊँगा मैं आपके उधर साइड के जो किसान हैं उनको ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं भोपाल गया था, बहुत अच्छा लगा, वहाँ के जो किसान हैं वो पहले बहुत अच्छी क्वालिटी की लहसुन वहाँ पर नहीं होती थी, पर अभी शुरुआत हो गई है, वो भी किसान मित्र जो है वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। कुछ किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं सीहोर साइड के और बहुत अच्छे दामों पर अपनी लहसुन जो है 13-14 हज़ार 15 हज़ार 16 हज़ार तक सीहोर मंडी में तक बेच रहे हैं। यहाँ तक कि भोपाल मंडी में भी मैंने आपको वीडियो डालकर बताया था कि वहाँ पर भी बहुत अच्छे दामों पर किसान मित्र बेच रहे हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं हम चैनल की जानकारियों में कमी रख रहे हैं या फिर जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैंने एक चैनल का एनालिसिस और देखा था, मतलब चैनल किसान मित्र देखते तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे कि 100 किसान मित्र देख रहे हैं, 100 में से 72% किसान है, 100 में से 72 किसान जो है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मात्र 28% किसान है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आप उन किसानों में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको जानकारियां पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और यहाँ पर जो विश्वास करने वाले किसानों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी दिखती है। मैंने एक चीज़ और देखी है, जो चैनल है वो काफ़ी किसान मित्र महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से देखते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बारा कोटा झालावाड़ यहाँ के किसान, और उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे ज़िले हैं वहाँ से हमारा चैनल देखा जा रहा है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं जैसे कि गुना बिना हो गया, इसके अलावा इंदौर उज्जैन नीमच भोपाल सीहोर धार खंडवा खरगोन इधर जहाँ पर भी मंसूर नीमच से हमारे चैनल को देखा जा रहा है। अगर आप कौन से ज़िले से हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, आप अलग राज्य से हैं मैंने अगर आपका नाम नहीं लिया है तब भी आप अपना कमेंट में आपका जो गांव का नाम है आपके ज़िले का नाम है ज़रूर बताइए। किसान मित्रों मेरी कोशिश है कि सभी किसान मित्र अच्छी क्वालिटी कमाएं। मैं पर्टिकुलर कभी भी किसी आपको किसानों को मैं आपको चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूँ बहुत अच्छी से अच्छी,
उम्मीद है आपने बहुत अच्छा दाम कमाया होगा। अभी आप मंडी में लहसुन लेकर जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा दाम मिल रहा होगा, और इस वर्ष क्वालिटी भी बहुत बेटर रही होगी। जैसे हमने चीज़ें डिलीवर करी, हमने जिस जो उद्देश्य लेकर डिलीवर करी थी उसके हिसाब से तो बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो अगले साल फिर कोशिश करेंगे। एक चीज़ और, एक फीडबैक और मिला है कि जो किसान मित्र जो हैं, युवा किसान जो शुरुआत कर रहे हैं लहसुन लगाने की, वो दूरी पर जैसे हम बता रहे हैं वो क्वालिटी पैदा करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो साथी किसान मित्र हैं गांव के, वो किसान उनको मूर्ख कहते हैं, बोले यार इतना दूरी पर लगा रहा है क्या उत्पादन निकलेगा, अरे क्वालिटी क्या भाव बिक जाएगी। वो होता है, जनरल टेंडेंसी है, मुझे भी मूर्ख कहते हैं, आपको भी कहेंगे। शुरुआत जब आप करते हैं तो सब आपको मूर्ख ही कहते हैं, मुझे भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा समय, धीरे धीरे समय लगेगा, बदलाव आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। आप लगातार कोशिश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और क्वालिटी जब आपके यहाँ पर क्वालिटी निकलेंगी तब जो साथी किसान, जो डीमोटिवेट करने वाले जो किसान हैं, वो आप पर आकर आपसे सलाह ज़रूर लेंगे। एक चीज़ हमेशा, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो आपकी बुराई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्टली जो अगर हेल्दी कंपटीशन होता है तो लोग आपकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग ना तो काम करना चाहते हैं ना बराबरी करना चाहते हैं, वो बैठ कर आपकी बुराई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन किसानों में से हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है, लहसुन की खेती करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें, जरूर होगा। इस वर्ष हो सकता है बारिश की वजह से, काफ़ी सारे किसान मित्रों के यहाँ पर बारिश की वजह से समस्या आई है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पंपिंग की समस्या आ रही है, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ। अगर बहुत सारे जो किसान हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ मेरे उठा के देखना, उसमें मैंने कहा था अगर कोई किसान मित्र 95 दिनों के बाद में अगर खाद कोई उपयोग करता है तो उसमें ये पंपिंग की समस्या आती है, मैंने ये बात बोला था। और किसी किसान मित्र ने अगर कच्ची लहसुन उखाड़ रखी है तब भी ये समस्या आएगी। हमेशा पकने के बाद लहसुन उखाड़ें, और हमेशा 90-95 दिन के बाद कोई खाद उपयोग ना करें। एक चीज़ और, बहुत सारे जो किसान मित्र हैं एक गलती और करते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो बहुत मार्केटिंग आजकल चल रही है, बोले साइज़ फुलाने की दवा आ रही है, साइज़ फुलाने की दवा आ रही है। एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अरे भैया अगर साइज़ फुलाने की दवा आती तो पिछले शुरुआत के जो 100 दिन, आखिरी 100 दिनों में, 100 दिनों बाद में साइज़ फुलाने की दवा डालते हैं किसान मित्र, तो शुरुआत के 100 दिन में हम इतना खाद पानी खर्चा क्यों करते हैं? आखिरी 100 दिन में जाके ही जहाँ पर 10 ml लग रही है वहाँ पर 100 ml डाल के लहसुन की गांठ इतनी बड़ी बना लेते हैं ना, अगर गांठ फुलाने वाली कोई दवा आती है। इसी कोई दवाई मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जैसा आपका पौधा रहेगा वैसा आपका माल निकलेगा। आप बेवजह खर्चा ना करें, बेवजह स्प्रे ना करें। अगर आप करेंगे तो वो होता ना, आदमी अचानक से मोटा होता है, केवल मोटा तो हो जाता है पर अंदर से पोला रह जाता है, मतलब वो वाली बात नहीं होती, तो वैसा नहीं है, वैसा आप ना करें। अगर मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, अगर गांठ फुलाने वाली दवा आती तो 90 दिन में हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ती, 90 दिन बाद 2-1 की जगह 4 स्प्रे कर देते और गांठ फुल के मोट बड़ी हो जाती, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मैंने अगर कोई गलत बात बोली है, किसी किसान मित्र को बुरा लगा है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और तो किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।